हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सब एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाने वाले आलू का एक नई रेसिपी। तो आलू को मैंने क्यूब में काट लिया है, इसे हम उबाल लेंगे। तो पैन को मैंने गैस पर चढ़ा लिया है, अब इसे हम उबाल लेंगे। इसे हम प्रेशर कुकर में भी उबाल सकते थे, पर प्रेशर कुकर में ना उबाल कर हम पैन में उबालेंगे, इसका कलर अच्छा आएगा। तो अब इसे हम उबलने देंगे। देखिए थोड़ा उबल चुका है और इसे 2 मिनट और उबालेंगे। तो इसे हम ढक कर छोड़ दें, 2 मिनट बाद देखेंगे। तो देखिए मेरा आलू अच्छे से उबल चुका है, अच्छे से पक गया है। अब इसे हम एक छन्ने में निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। तो आलू उबल चुका है, अब इसे हम अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। इस तरीके से मैश कर लेंगे सबको। आलू मैंने मैश कर लिया है, अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और मैदा को थोड़ा सा डालेंगे। तो इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। मैदा दे सकते हैं या फिर आटे दे सकते हैं। इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे, एक आटे के डो जैसा बना लेंगे। थोड़ा सा और देंगे। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो मैंने अच्छे तरीके से इसे मिला लिया है, अब इसे हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। अब जिस साइज का भी बना सकते हैं। इस तरीके से बना के इसे थोड़ा इस तरह कर लेंगे, ऊपर से कोई शेप डाल दे देंगे। इस तरीके से एक शेप दे देंगे, किसी चम्मच से या फिर किसी ढक्कन से, बोतल के, इस तरीके से शेप डाल देंगे। इसे बना लेंगे इस तरीके से सब। तो इस तरीके से मैंने सब बना लिया है, देख सकते हैं। अब मैंने पैन को चढ़ा लिया, पानी को भी गर्म कर लिया। अब इसमें हम इसे डाल देंगे उबलने के लिए। छोटा बड़ा हो गया है, अब इसे हम उबलने देंगे। अब इसे हम ढककर छोड़ देंगे 2 मिनट। देखिए मेरा रेडी हो चुका है, अब इसे हम एक छन्ने में छान लेंगे। तो मैंने पैन को चढ़ा लिया है, पैन भी गर्म हो चुका है। इसमें हम तेल डाल देंगे, तेल को गर्म कर लेंगे। तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम कुछ किया हुआ लहसुन डाल देंगे। अब इसमें हम इस तरह का प्याज डाल देंगे, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसे थोड़ा सा छोटे करेंगे। प्याज मेरा हो चुका है, अब इसमें हम सॉस डाल देंगे। सोया सॉस 1 चम्मच, टमाटो केचप, चिली सॉस। इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब इसमें हम ये सारे डाल देंगे, अब इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे हम अच्छे तरीके से इस तरीके से मिला लेंगे।
इसे हम सब कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसे सब कर लिया एक प्लेट में, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो आप भी इस तरह से बनाकर जरूर खाइएगा, खाने में टेस्टी लगता है। अगर पसंद आएगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसा लगा ये रेसिपी आपको। फिर हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।